पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालमेनियों से दिक्कत है। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो आदेश बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र के दुकानदारों को दिया, या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले ढाबों, रेस्टोरेंट, होटल और दूसरे प्रतिष्ठानों पर अपनी पहचान लिखने के आदेश का समर्थन किया। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालमेनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत कहिएगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और प्रशासन के ऐसे किसी भी आदेश को गलत माना। इस सब खबरों पर करेंगे बात, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आपने सुना। वो कहते हैं राम वालों से भी दिक्कत नहीं है, रहमान वालों से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कालनेमी वालों से दिक्कत है। तो फिर पहले कालनेमी पर ही बात कर लेते हैं, आखिर ये कालनेमी इनके बयान के बीच में आया क्यों, संदर्भ क्या है। दरअसल कालनेमी नामक मायावी राक्षस का जिक्र रामायण के प्रसंगों में होता है। रामायण में युद्ध के दौरान घायल हुए लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते समय हनुमान जी को अपना भेष बदलकर कालनेमी राक्षस के जरिए रोके जाने का प्रसंग मिलता है। हनुमान जी कालनेमी को मारकर आगे निकल जाते हैं, कालनेमी यानी बहरूपिया, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी संभवतः इसी ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। और इधर धीरेन्द्र शास्त्री भी बड़े हनुमान भक्त हैं, जो अपनी बेबाकी और विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों भक्त हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के। हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। चलिए फिर मुद्दे पर लौटते हैं। तो यूपी से शुरू हुआ नेम प्लेट विवाद एमपी के बागेश्वर धाम तक जा पहुंचा। बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र के दुकानदारों को भी अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगवाने का आदेश बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दे डाला, और इस आदेश का पालन करवाने के लिए 10 दिन के अल्टीमेटम के साथ आदेश दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश की तारीफ तो वो गाहे बगाहे करते ही रहे हैं। बहरहाल छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, और यहीं पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी की तर्ज पर बागेश्वर धाम में दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का निर्देश दे दिया। उन्होंने यूपी के सीएम योगी की पहल की प्रशंसा भी की इस दौरान, और मंच से जो आदेश, अगर हम कहें जो शब्द पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहे, वो आपको फिर बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर धाम में भी दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को आदेश देते हैं कि अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिससे पता चल सके कि वो राम वाले हैं या हनुमान वाले या रहमान वाले। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, हमें ना राम वालों से दिक्कत है ना रहमान वालों से, हमें दिक्कत है कालनेमियों से। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे कहते हैं कि आप जो हो दुकान के बाहर नेम प्लेट में लिखकर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी भी आदेश को गलत बताने के बाद भले ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट पर दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों से भले ही संचालकों की जानकारी हटा ली गई हो, लेकिन छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आदेश देने की देर थी, और दुकानों, पूजा सामग्री के स्टॉल्स, होटलों, रेस्ट हाउसों के बाहर संचालकों की जानकारी
लगा दी गई है। दरअसल सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने ऐसा आदेश जारी किया था, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया, और इतना नहीं उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी हुआ था। यानी कि तमाम जगहों से प्रतिष्ठानों पे उनकी जानकारी, उनके संचालकों की जानकारी लिखनी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया। हालांकि अब सवाल जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी भी आदेश को गलत ठहराने के बाद क्या बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र में फैसला बदला जाएगा, या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इस आदेश पर विचार करेंगे या संज्ञान लेंगे।